संसद चल रही है, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए आप सबों से आग्रह किया कि पार्टी के राष्ट्रीय मंच से इस पर टिप्पणी देनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भारत को विभाजित करने की अजीब योजना चल रही है। आजकल उत्तर दक्षिण शुरू किया जा रहा है, जो जिन श्रीमान जी ने आज शपथ लिया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने कहा कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है। और जो मुख्यमंत्री राव साहब उन्होंने हराया है, उनके डीएनए में बिहार का अंश है, क्योंकि उनके पूर्वज नीतीश कुमार की जात के हैं, वहां से आए थे। इसके पहले कांग्रेस के एमपी ने बात की थी नॉर्थ साउथ डिवाइड हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने को रेलेवेंट करने के लिए किस सीमा तक गिरेगी, ये बात हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि उनका स्टेटमेंट कल से चल रहा है। माता जी, पुत्र जी और पुत्री जी तीनों गए थे शपथ ग्रहण में, उसके पहले उन्होंने उनके स्टेटमेंट को विड्रॉ नहीं कराया। कितने गलत बोला है। और उत्तर भारत में तो बिहार भी है, यूपी भी है, एमपी भी है। ये कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है हम जानना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी क्या भारत की आजादी का इतिहास समझती है, भारत का आध्यात्मिक सांस्कृतिक इतिहास समझती है, और राहुल गांधी क्या समझते हैं? अभी भी उनकी माता जी रायबरेली से एमपी है ना, रायबरेली नॉर्थ इंडिया में है ना, अपने अमेठी में हार की डर से चलेगा वायनाड, क्योंकि वहां मुस्लिम अपरिषद ज्यादा है। तो ये उनकी समझदारी है भारत के बारे में। उन्हें पता है कि शंकराचार्य जब चले थे केरला से, तो चारों मठों की स्थापना की, सुदूर उत्तर में जोशीमठ, सुदूर दक्षिण में श्रृंगेरी, सुदूर पश्चिम में द्वारिका, सुदूर पूरब में पुरी। यही ना भारत है। उन्हें पता है कि रामेश्वरम के प्रणाम के बिना प्रभु राम की कल्पना नहीं हो सकती। रामेश्वरम कहां है? सुदूर दक्षिण में है। तिरुपति बालाजी आज देश के, दुनिया के सारे हिंदुओं के हृदय में है, वो कहां है? दक्षिण में है ना। ये पूरा जो अपने मदुरई में लक्ष्मी मंदिर है हजारों साल पुराना, चिदंबरम मंदिर, और जो त्रिवेंद्रम में मंदिर है भगवान विष्णु का हजारों साल, में सिर्फ हजारों साल वाले पुराने मंदिर की बात कर रहा हूं, नए की बात नहीं कर रहा। तो कुछ पता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। क्या गांधी परिवार को कुछ याद है कि सुदूर उत्तर के माता वैष्णो देवी पर जो नारियल चढ़ता है वो दक्षिण में उगता है? तो क्या नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बात की जा रही है? कहां तक गिरेगी कांग्रेस पार्टी? आप देख रहे हैं N27 न्यूज़, पकड़ हर खबर पर।